Yoga is the perfect opportunity to be curious about who you are. A very good morning to you all. We are glad to have you all on this Corona Wellness Program, episode 12 in Hindi. This Corona Wellness Program is an initiative by the Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner, Shri Pija Sindhya Sir, along with Manoj Lekiji and his entire team from LIA, the Life Essence Academy, an international organization for yoga. I once again welcome you all for today's session. We request you all to practice along with us every day and would also appreciate inviting your friends and family who are interested to join us in this program. I now welcome Ms. Kapilata Ma'am, the host for today, to introduce the facilitators to us. जय गुरुदेव आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम 30 मिनट का है जिसमें से 20 मिनट हम आनंद गोडसे जी से सूर्य नमस्कार सीखेंगे जो कि सूर्य नमस्कार एक्सपर्ट हैं। हम सब उन्हीं उनसे पिछले चार दिनों से जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ पिछले चार दिनों से उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें इस बात का अभी तक प्रैक्टिस हो गया होगा कि किस तरह से हम सूर्य नमस्कार को सिर्फ आसन की तरह नहीं देखते, वो एक ब्रीदिंग प्रक्रिया पे भी ध्यान देता है। और कल उन्होंने बहुत अच्छे से हमें इसके साथ मंत्रों को भी जोड़ा। और उसके बाद 10 मिनट में आपको एक मेडिटेशन में लेके जाऊंगी, वो मेडिटेशन जिसमें आज हम एक बहुत अच्छा दोस्त ढूंढने वाले हैं। सो प्लीज ओवर टू यू आनंद जी फॉर द सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। थैंक यू। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवे दिन पर है और सूर्य नमस्कार की अभ्यास करते हुए हम सूर्य नमस्कार में आसन, प्राणायाम यानी श्वसन और उसी के साथ में कल हमने मंत्र का भी अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार ये एक परिपूर्ण व्यायाम है, ऐसा बहुत प्राचीन काल से योगा अभ्यासकों ने इसको बहुत ही सुंदरता से पढ़ा है और पढ़ाया है और भारत भूमि में और भारत के बाहर भी इसका बहुत सारा प्रचार किया है। तो सूर्य नमस्कार करते हुए हमने अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, इन तीन कोषों के बारे में हमने समझ लिया। मनोमय कोष के बारे में मैं कल बात कर रहा था तब मंत्र, ये जो मन का तारण करने का मार्ग है, जो मन की शांति और मन में जो हमारी भावनाएं निर्माण होती है उसका स्थैर्य और उसी के साथ में मन की शांति के लिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास और सूर्य नमस्कार की अभ्यास में उसकी और क्या उसके गुण है ये भी आज हम जानेंगे और एक एक अगला कोष यानी विज्ञानमय कोष के बारे में भी हम जानेंगे। अन्नमय यानी शरीर, प्राणमय यानी हमारा श्वसन और प्राण, मनोमय यानी हमारी मन की गतिविधियां और विज्ञानमय ये हमारे मन के आगे यानी बुद्धि। हम बुद्धि से बहुत सारी प्रक्रियाएं दिन भर करते हैं यानी विचार करते हैं, हम जब बात करते हैं हमारी वाणी की शुद्धता, इन सब बातों में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है वो कार्यरत रहती है। तो विज्ञानमय कोष का पोषण भी सूर्य नमस्कार में होता है और वो कैसे होता है? तो सूर्य नमस्कार ये तेज यानी सूर्य प्रकृति का और सूर्य देवता का अभ्यास है और सूर्य देवता को प्रणाम है। तो सूर्य यह देवता बुद्धि का अधिपति है। हम जानते हैं कि नवग्रह और हर एक ग्रह कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिणाम करता है, तो सूर्य यह बुद्धि का अधिपति है। बुद्धि वही होती है जो हमारे मन को अपने काबू में रख पाती है, यानी अगर हम कुछ देखते हैं तो विचार करते हैं और क्या विचार करते हैं उससे भावनाएं निर्मित होती है। तो बुद्धि की देवता सूर्य, इसकी प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, इसके बारे में हम अपना ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में सूर्य नमस्कार का बहुत उपयोग है। और ये कॉन्सेंट्रेशन छोटी छोटी बातों में है। मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के सूर्य नमस्कार के जो अंग है उसके बारे में आज थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में हम हमारा अभ्यास कर लेंगे। सूर्य नमस्कार की एक स्थिति मानो हम स्थिरता से कर रहे हैं और हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं,
तो अपेक्षित यह है कि हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि एक ही बिंदु पर, यानी एक बिंदु जो यू नो अगणित यानी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और हम शांति से उसी एक स्थान पर देखते रहना, ये फोकस यानी अटेंशन का काम करता है। वैसे ही हम जब शरीर के सब अंगों पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो लक्ष्य का केंद्रीकरण और उसी के साथ में डिसीजन मेकिंग में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अपने इंटेलिजेंस में, ये जो अंग है बुद्धि के विचार करने के तरीके में सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा उपयोग है, क्योंकि हम अपना अटेंशन यानी फोकस जो है वो केंद्रित करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस, ये सब बातें एक ही महत्वपूर्ण अपने बुद्धि के कौशल्य पर आधारित है, और वो है अटेंशन और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। मन शांत और रिलैक्स्ड रहना और हम फोकस्ड रहना, ये सूर्य नमस्कार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलो तो अभी सूर्य नमस्कार की एक स्थिति से हम अपना अटेंशन और फोकस का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हमने श्वसन का अभ्यास कर लिया है, लेकिन मैं अपनी सभी को ऐसा रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब एक की स्थिति जैसे हम बैठे रहिए और सूर्य नमस्कार की नमस्कार मुद्रा करिए, और अपना ध्यान शांति से, अपना श्वसन संथ गति से करते हुए एक ही जगह एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिए। बिल्कुल, तो जैसे हमने ये फोकस किया वैसे ही सूर्य नमस्कार करते हुए हमें सभी अपनी स्थितियों पर और श्वसन पर फोकस करना है। बाकी कुछ आजू बाजू चालू है उस पर ध्यान नहीं देना है, वो ध्यान धीरे 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 बढ़ता जाएगा, अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन फोकस सब स्थिति और श्वसन पर। ये फोकस और अटेंशन को ध्यान में रखते हुए हम पहले तीन सूर्य नमस्कार का समंत्रक अभ्यास करेंगे। मैं सूर्य नमस्कार की एक एक मंत्र के बारे में बताऊंगा, आप मंत्र बोलेंगे और फिर अंक देते हुए हम तीन सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरुआत में करेंगे। अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित कीजिए। ओम मित्राय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। अपना श्वसन चालू रखिए और एकदम धीरे से श्वसन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी दूसरे सूर्य नमस्कार में हम अपना ध्यान अपने हाथों पर, पाम्स के ऊपर केंद्रित कीजिए। ओम रवये नमः।
अभी तीसरे सूर्य नमस्कार में अपना ध्यान अपने पैरों पर, यानी जो पृष्ठ भाग हमारे पृथ्वी तल पर स्थिर हुआ है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और ये ध्यान केंद्रित करते वक्त हमारे पैर जब पीछे जाएंगे तो दो ही जगह हमारे पैर जाते हैं, एक अभी हम जहां खड़े हैं और दो जहां पे हम वो पैर पीछे फिक्स करने वाले हैं। तो अपने पैर पर अभी ध्यान दीजिए तीसरे सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। बहुत अच्छा। अभी हमने देखा कि जब भी हम अपना लक्ष्य किसी एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो हमारा शरीर एक अलग तरह की अवेयरनेस और फोकस का एक्सपीरियंस करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे विचार मन में आते हैं, वो विचार आते हुए भी हम उन विचारों को देख पाना, जिसे हम साक्षी भाव बोलते हैं, वो आना बहुत ही जरूरी है। यानी अगर हम विचारों की श्रृंखला में अटक गए तो एक के साथ दूसरे विचार आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम शरीर के बदलाव को हमें देखना ये एक अभ्यास है, वैसे ही अपने मन के बदलाव को देखना ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यानी मेरे कौन से विचार आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इन विचारों को ध्यान में रखना, इन विचारों की तरफ ध्यान देना, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए शरीर के एक एक अवयव पर हमें फोकस करना, अटेंशन रखना, ये बहुत ही जरूरी है। और अभी हमने अपनी जो दृष्टि है वो इंफिनिटी की तरफ फोकस किया, उसके बाद में हमने अपने पाम्स यानी अपने जो हाथ है उसकी तरफ हमने ध्यान फोकस किया, फिर पैर है यानी हमारा जो पृष्ठभाग जो जमीन से मिलता है उसकी तरफ हमने फोकस किया। अभी हम हमारा जो हृदय चक्र है यहाँ, इस हृदय चक्र की तरफ अपना ध्यान फोकस करेंगे और सूर्य नमस्कार करते हुए पूरा लक्षण हमारे हृदय के जो स्पंदन है उसकी तरफ हम फोकस करेंगे। अभी हम चौथे नमस्कार पे हैं तो एक एक नमस्कार करते हुए हम आगे जाने वाले हैं। चौथा सूर्य नमस्कार हृदय चक्र की तरफ। ॐ भानवे नमः। जब भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने शरीर पर फोकस करते हुए, अपने मन के जो बदलाव है उस पर फोकस करते हुए करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारे विचार होते हैं, हमारा मन हमारी बुद्धि कभी कभी बहुत सारे विचारों से भर जाती है। और आजकल के काल में जब सभी जगह हम कुछ ना कुछ न्यूज सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ
बातें हमारे कान के ऊपर आती रहती है, तो इसमें मन शांत और स्थिर करने का ये बहुत ही अच्छा मंत्र, कल मैंने बताया था कि शरीर का मंत्र और मन का मंत्र और अभी ये बुद्धि का भी मंत्र है। बुद्धि का मंत्र ये है कि जब हमने ओम मित्राय नमः करके ये मंत्र का पठन किया, तो सूर्य नमस्कार करते वक्त इसकी जो गुंजन है, इस मंत्र की गुंजन है, वो पूरे शरीर में और मन में करते रहना, उसका आंदोलन चालू रखना, ये सूर्य नमस्कार क्या बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास का घटक है। क्योंकि सूर्य नमस्कार का जो मंत्र हम अपने मुख से कहते हैं और वो बाहर जाता है, वैसे ही वो सृष्टि से हमारे पास वापस आता है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो अपेक्षित ये है कि ये मंत्र का गुंजन हम अपने मन में करते रहे। तो शरीर का मंत्र एक आंदोलन की तरह स्थितियां में बदलते रहना, श्वसन का मंत्र अपना एक संत गति से पूरक रेचक कुंभक इस चक्र में चालू रहना, उसी के साथ में जो मंत्र है वो मंत्र अपने अंदर ओम भानवे नमः, इस मंत्र का आंदोलन अपने मन में चालू रखना, और आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसी निर्विचार स्थिति तक पहुंच गए हैं। निर्विचार का मतलब मन में कोई विचार ना होना, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मन में विचार ना होना, मन का स्थैर्य, ये अपने विज्ञानमय कोष के की विज्ञानमय कोष की शुरुआत और विज्ञानमय कोष के जो फ्लरिशिंग बोलते हैं उसका जो एक उत्सर्जन होता है, विज्ञानमय कोष की जो एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह से चलनी चाहिए उसकी जो शुरुआत है वो निर्विचार स्थिति से होते हैं। और अच्छे विचार मन में आना तभी पॉसिबल है, तभी शक्य है, जब हम अपने पिछले विचारों से दूर जाए। तो इसका काम सूर्य नमस्कार करता है। तो मैंने जैसे बताया मंत्र, हम आदि के भी मंत्र सुनेंगे। अभी हम भानवे नमः तक आए थे, तो शांति से शुरुआत करेंगे। ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र है। तो आपने अभी सुन लिए ये मंत्र, इन मंत्रों का अभ्यास, और इन मंत्रों के साथ में हमने जो आज ध्यान में रखा है कि अटेंशन और जो फोकस है, इस फोकस की तरफ ध्यान देना ये बहुत ही जरूरी है। अभी हम आधे मिनट के लिए अपने मन को शांत करें, और जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में हमने फोकस के बारे में आज डिस्कशन किया, वैसा अपना मन और शरीर शांत करते हुए कुछ सेकंड के लिए मन की शांति का अनुभव करें, और फिर बाद में हमें कपिला जी मेडिटेशन के सेशन के बारे में गाइडेंस करेंगे। धन्यवाद आनंद जी। ओम मित्राय नमः। तो चलिए आज हम अपने एक नए मित्र से मिलते हैं इस गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। ये गाइडेड मेडिटेशन आज हमारे इस मित्रता को और आगे लेके जाएगी। वो मित्र जिसके साथ हमें प्रेम भाव से रहना है, अपने हृदय को खोलना है और उसको प्रेम देना है और उससे प्रेम लेना है। चलिए सुनते हैं इस गाइडेड मेडिटेशन को।
तो मैंने ये सोचा कि इस समय में मैं आप सबसे अपने विचार शेयर करूं, जिससे हम सब का डर भी निकल जाए और हम एक स्वस्थ शरीर की कामना पूरी कर पाएंगे। जरा सोच के देखिए, अगर आपका कोई प्रिय मित्र हो, क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगा? आपका प्रिय सहेली आपको नुकसान पहुंचाएगी? डेफिनेटली नहीं। तो हम सब कोरोना से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? अगर कोरोना से दोस्ती कर ली तो वो भी हमारा नुकसान क्यों चाहे? तो हम सब कोरोना से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अगर हम उसे कोसेंगे, शिकायत करेंगे, ये कोरोना हमको हानि पहुंचा सकता है जैसा हो रहा है। ये जो शब्द है, ये धन्यवाद करते हैं प्यारे मित्र करुणा को। थैंक यू करुणा, मुझे समय देने के लिए अंदर झांक के देखूं। धन्यवाद करुणा, मुझे मेरे लिए समय निकालने के लिए, प्रेरित करने के लिए। थैंक यू करुणा, मुझे यह जानने के लिए समय देने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। धन्यवाद करुणा, मुझे समय देने के लिए कि मैं अपनी आत्मशक्ति पर कार्य कर रहा हूं। थैंक यू करुणा, मुझे मेरे बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय देने के लिए। थैंक यू करुणा, मैं अपनी माता पिता और परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहा हूं। मैं बहुत लोगों को समय दे पा रहा हूं, जिससे उन्हें लाभ भी मिल रहा है। थैंक यू करुणा, मैं अपने पैशन के साथ फिर से जुड़ गया हूं। थैंक यू करुणा, मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझे हर पल को पूरी तरह से जीना है। धन्यवाद, मुझे मेरी जिंदगी से सब दिमागी और शारीरिक कचरा हटाने का समय दे रहे हैं। धन्यवाद करुणा, मुझे मेरे सारे पुराने काम खत्म करने का समय देने के लिए। धन्यवाद मेरे प्रिय करुणा, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर को भरपूर आराम देने के लिए धन्यवाद। मुझे योगा और ध्यान का अधिक से अधिक समय देने के लिए थैंक यू। मेरे दिमाग और शरीर को बहुत आराम मिल रहा है थैंक यू। मैं अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूं और अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा हूं।
धन्यवाद। करुणा, मेरे शरीर, आत्मा और दिमाग प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ रहा है। धन्यवाद। आप हमें डर से मुक्त दिला रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे कोरोना, अंदरूनी और बाहरी दौलत के लिए धन्यवाद। मेरी जरूरतें कम करने के लिए और मुझे एक साधारण जिंदगी जीने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझाने के लिए कि जो मेरे पास है मैं उसका आभारी हो रहा हूं धन्यवाद। इस खाली समय के लिए जहां मैं अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूं धन्यवाद। नए नए टेक्निक मुझे सिखा रहे हैं, उसके लिए समय दे रहे हैं धन्यवाद। करुणा, मुझे मेरी जिंदगी एक डर से हटाने के लिए और अपने साथ सभी को लेकर चलने के लिए धन्यवाद कि मैं अपनी कमाई औरों के साथ बांट सक रहा हूं। बहुत 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 सुंदर विचार। जैसे मनोज जी हमेशा कहते हैं कि हमें अपने लिए जो भी चाहिए वो हमें बांटना शुरू कर देना चाहिए, तो अगर मैं प्रेम बांट रही हूँ तो मुझे उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही मिलेगा। आज हमारा पूरा सेशन जो आनंद जी ने भी शुरू करवाया वो यही था कि हमें अपने हृदय पे फोकस करना चाहिए, और आज इस मित्रता की मेडिटेशन सुन के हम अपना हृदय इस प्रेम से भर रहे हैं कि वो जो करुणा है वो मेरा अच्छा मित्र है और मैं उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रेम भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच आनंद जी हमें सूर्य नमस्कार को इतने डिटेल में समझाने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस हमारी इन प्रैक्टिसेस के बारे में, हमारे जॉय शॉप्स और हमारे सेशंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसमें लिया हेल्प डेस्क का फ़ोन नंबर है और आप लिया हेल्प डेस्क के जूम सेशन में भी जा सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, जो अभी 8 से 9 बजे तक रहता है और शाम को भी 8 से 9 बजे तक रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर हमें अपना हृदय सच में प्रेम से भरना है और प्रेम ही बांटना है सबको, तब आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत सिंपल और बहुत सिंपल तरीके से हम आपके साथ ये अपनी प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, जिससे हम जजमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं और सबको अपना सकते हैं जो जैसे हैं। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर आई एंड दिस सेशन, चलिए करते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। आप अपना एक हाथ अपने हृदय पे रखिए और अपने बीते हुए 1.5 घंटे को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, 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 मेरा शरीर पूरी तरह से एक्टिव है। धन्यवाद, 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 मैंने अपने हृदय चक्र पे अपना फोकस किया। और इसके साथ ही अपने आने वाले 1.5 घंटे का भी निर्माण करिए। आप अपना दूसरा हाथ भी अपने हृदय पे रखिए। धन्यवाद, 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 मैं पूरे 1.5 घंटे के लिए बहुत साइलेंस, बहुत समाधि महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद, 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 मैं सबको प्रेम और सबको ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमें लिया हेल्प डेस्क में भी मिलेंगे ताकि हम एक दूसरे के साथ आगे भी जुड़ सकें। थैंक यू। Thank you all for taking an active part in this program. We believe you'll be feeling refreshed and would appreciate inviting your family and friends who are interested to join us in this program. We have 2 sessions every day, the Hindi session in the morning at 7:30 till 8 and the English session in the evening at 7:30 till 8.
We hope to see you in tomorrow's session at the same hour. Before leaving, we have a few announcements regarding a few latest campaigns. So the SMS campaign is basically where you practice the sanitized mask and steam inhalation and post it on your social media on like Facebook, Instagram and Twitter and nominate one person a day for 10 continuous days. While sharing your post in social media, don't forget to use the hashtags Scouts for SMS, hashtag BSG Karnataka and hashtag Scouts Fight COVID. The next campaign is the double mask, double protection campaign, where we encourage you to wear two masks at the time of stepping out for reducing the chances of infection by wearing a disposable surgical mask first and then wearing a cloth mask on top, and never wear two of the same kind, like two surgical or two cloth masks. Always wear the surgical mask first and then follow it with cloth mask. And N95 masks do not need any additional masks. The next campaign is our Digital Scout registration campaign. I have registered myself on Digital Scout and I've become a Digital Scout of the Bharat Scout Sanghaj Karnataka. If you too have to join the BSG Karnataka, here you have use this link below and become a Digital Scout and get updates on all scouting and guiding informations and activities. We hope to see you in tomorrow's session at the same hour. Thank you.